फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीस कुजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं टमाटो पोड़ा। ये उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। ये टमाटर और ये सारे इंग्रेडिएंट से बनता है फ्रेंड्स, तो चलिए बनाते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है टमाटर, नमक, ऑनियन को चॉप कर दिया है, सरसों का तेल, ग्रीन चिली, गार्लिक को क्रॉस करके चॉप कर दिया और धनिया पत्ता। ये देखिए, टमाटर को मैंने ओपन फ्लेम में ऐसे रखा है और उसको रोस्ट करूंगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरे पास ये वाला छांचा था जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ, तो इसमें तो टमाटर नहीं बेक हो सकता, तो मैंने डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर ही रख दिया है। आप तवा के ऊपर भी रख सकते हैं। देर के बाद मैंने ऐसे फोर्क डाल दिया है अंदर, तो मुझे इसको घुमाने में इजी रहेगा और मैं इसको टर्न करके भी दूसरी तरफ से बेक कर सकती हूँ। हमारे उड़ीसा में ऐसे टमाटर को, बैंगन को, आलू को ऐसे बेक करके तीनों को मिला के भी खाते हैं। बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन रहता है फ्रेंड्स राइस के साथ, और मुझे स्पेशली टमाटर बहुत पसंद है ऐसे बेक करके खाना। खट्टा खट्टा बहुत टेस्टी लगता है। इसको टमाटो पोड़ा इसलिए बोलते हैं, पोड़ा मतलब जलाना, या मीन बोल सकते हैं बेक करना, रोस्ट करना, तो उसका एक बेकिंग का अलग ही खुशबू रहता है फ्रेंड्स। और कभी आपको जल्दी जैसे खाने को कुछ मन कर रहा है तो आप ये सिंपल सा तुरंत बना सकते हैं। ये अभी हमारा रोस्ट हो गया है, इसको हम पील कर देंगे और मैश कर देंगे। थोड़ा सा अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं करूंगी। और बैंगन का भी मैंने इसी वे में बनाया था, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, ये आसानी से हमारा निकल रहा है ऐसे करके। थोड़ा सा गर्म है, आप इसमें सरसों का तेल ऐसे कोट करके भी इसको बेक कर सकते हैं। अब इसको ऐसे मैश कर देते हैं। आप ये जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल डिश है, बहुत जल्दी बन जाता है। और अब इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर दूंगी, नमक, ऑनियन, ग्रीन चिली, हमारा गार्लिक और थोड़ा सा सरसों का तेल, और ये सबको अच्छे से मिला देते हैं। थोड़ा आप ग्रीन चिली को ऐसे रब कर दीजिए, थोड़ा सा स्पाइसी, खट्टा, आप चाहे तो थोड़ा सा शुगर मिला सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे खट्टा पसंद है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप भी ये बनाइए और मुझे बताइए कि आपका टमाटर पोड़ा कैसे बना।